आईपीएल के एक ओपनिंग पे लगाया गया है, सोचो आप, 300 करोड़ के आसपास पैसा सिर्फ सरमनी पे लगाया था आईपीएल के, 300 करोड़ हिंदुस्तानी रुपया। तो भाई इस 300 करोड़ को अब पाकिस्तान के पैसों से जोड़ो पूरी जीडीपी है मेरे भाई। आप बेसिकली उनकी नकल करते हो, उनके कल ओपनिंग सेरेमनी भी देखी होगी आपने, 233 करोड़ उधर लगा है, 233 करोड़ पाकिस्तानी, वो 815 करोड़ बनता है। उन्होंने कल सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी पे लगाया, पूरी बॉलीवुड की कास्ट उन्होंने उधर इकट्ठी कर दिया। 233 करोड़ रुपए इस ओपनिंग सेरेमनी में खर्च हुए। इस ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान में बर्नौल की काल पड़ गया, क्योंकि भाई बर्नौल जो है वो पाकिस्तान में बहुत जरूरी है, लोगों के पिछवाड़े जलकर लाल हो चुके हैं। आज देखना शुरू किया, मैंने ओपनिंग देखी यार, मतलब भारत के जो ये शाइकीन है ना क्रिकेट के, यू गाइस वर स्पॉट ऑन, मतलब बहुत मजा आया। हम पाकिस्तान में बैठ के देख रहे थे, शदीद, मतलब इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। ये होती है भाई जान फिर ओपनिंग सेरेमनी, किस तरीके से जो है आप कह लेंगे बीसीसीआई ने आज पैसे खर्चे हुए थे, दिख रहा था भाई पैसा बोलता है, फिर कह लेंगे सब ढोलता है। इनके 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में जो है वो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी की गई है भाई। उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 88,000 करोड़ की है, 88,000, ठीक है, 88,000 करोड़। और आपकी ब्रांड वैल्यू पता है कितनी है, 2400 करोड़। अंदाजा लगा लो, गैप देख लो इसमें से, थोड़ा जमीन आसमान से भी ज्यादा वाला फर्क है ये। हमें हमारी औकात दिखा दी कि बेटा ये पीएसएल जो है ना, ये यकीन करो आटे में नमक के बराबर है। अगर आईपीएल आटा है तो ये उसके अंदर जो नमक होता है ना, वो भी नहीं है पीएसएल। लेकिन हमारे लिए पीएसएल ही बहुत बड़ा है, हमारी वही जो दुनिया बन गई ना। लेकिन अगर आप उसके साथ इतनी ज्यादती करोगे तो दिल दुखता है। आज अगर आप आईपीएल देखो तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड की कोई ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगाया गया। तो भाई पाकिस्तान का तो हो गया मोई मोई। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। हिंदुस्तान आईपीएल की ओपनिंग या सेरेमनी देखकर पाकिस्तान की हालत हो गई है गंभीर, और इतनी उल्टियां की है पीसीबी और पीएसएल वालों ने कि 2 दिन हो गए उनको लूज मोशन हुए। जितना पैसा जितना बजट जो है दोस्तों आईपीएल के एक ओपनिंग पे लगाया गया है, सोचो आप, 300 करोड़ के आसपास पैसा सिर्फ सेरेमनी पे लगाया था आईपीएल के, 300 करोड़ हिंदुस्तानी रुपया। तो भाई इस 300 करोड़ को अब पाकिस्तान के पैसों से जोड़ो पूरी जीडीपी है मेरे भाई। ये तो सिर्फ ओपनिंग थी, इसको कहते हैं आईपीएल, दुनिया की बेस्ट एंड नंबर वन लीग जो है दोस्तों, उसकी सेरेमनी दुनिया देखती है। और आईपीएल जब जब स्टार्ट होता है दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में स्पेशली, बड़ा सन्नाटा छा जाता है, और पाकिस्तान के जो टीम है उनके प्लेयर्स हैं, कोई हज चला जाता है, कोई अपने गांव में खेती बाड़ी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि दुनिया में क्रिकेट एकदम ढीली पड़ जाती है। और तो भाई पाकिस्तान का तो हो गया मोई 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 मोई, क्योंकि मेरे भाई आईपीएल की ओपनिंग देख के पाकिस्तानी मीडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने भी खबरें बता दी कि हिंदुस्तान ने कितना खर्चा किया है, कितना पैसा लगाया है, 300 करोड़। अगर वो सिर्फ स्टार्टिंग पे लगा सकता है तो सोचिए भाई आगे जाके पड़ोसी देश पाकिस्तान पूरी जिंदगी निकाल देना, 100 साल बाद भी वो पीएसएल को आईपीएल सिर्फ 25% भी कंपेयर नहीं कर सकता। पीएसएल आईपीएल के आगे ऐसा है जब एक बाप के आंखों के आगे उसके बच्चे का जन्म होता है। अब एक बाप के आगे उसका बच्चा, वो क्या होता है आपको पता है कि बाप ने इतनी जिंदगी जीली और बाप को इतना एक्सपीरियंस है। अब एक बच्चा जो है निहत्ता, जो अब जिसको पता ही नहीं कि मैं दुनिया में आया हूं, ना खा सकता है खुद ना पी सकता है। तो भाई आईपीएल और पीएसएल का अगर कंपेयर करें तो ये बेस्ट कंपेयर है कि आईपीएल जो पीएसएल जो है ये गरीबों का आईपीएल, ये आईपीएल के आगे एकदम छोटा मामूली सा बच्चा है, एक मामूली सा बच्चा जो कभी अपनी जिंदगी में पाकिस्तान अगर अपना मिसाइल तक बेच देना और उसका पूरा पैसा पीएसएल पे लगा देना, वो तब भी आईपीएल से कंपेयर नहीं हो पाएगा। आप बेसिकली उनकी नकल करते हो, उनके कल ओपनिंग सेरेमनी भी देखी होगी आपने, 233 करोड़ उधर लगा है, 233 करोड़ पाकिस्तानी, वो 815 करोड़ बनता है। उन्होंने कल सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी पे लगाया, पूरी बॉलीवुड की कास्ट उन्होंने उधर इकट्ठी कर दिया। मैंने न्यूज चैनल के ऊपर ये बातें सुनी है कि आईपीएल को पाकिस्तान में इस वजह से बैन करवाया जाए क्योंकि हम नुकसान करवाना चाहते हैं इंडिया का, हम नुकसान करवाएं इंडिया का, क्या हम इंडिया का नुकसान करवाएं, और उसके ऊपर बाकायदा साइन भी कर दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तान में आप आईपीएल दिखाओगे तो आपको सजा दी जाएगी। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि इस हद तक हमें क्रिकेट से दूर रखा जा रहा है। आईपीएल के जो एक मैच की बीसीसीआई लेता है ना, वो 119 करोड़ कमाता है, आप 3 करोड़ कमाते हो, 10,000 करोड़ वो कमाते हैं पूरे आईपीएल से। और आपका क्या है, आपकी टोटल जो कमाते हो 124 करोड़ है। उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 88,000 करोड़ की है, 88,000, ठीक है, 88,000
करोड़ और आपकी ब्रांड वैल्यू पता कितनी है 2400 करोड़। अंदाजा लगा लो, गैप देख लो इसमें से। इंडिया की आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 88,000 करोड़ है, आपकी आईपीएल की 2400 करोड़ है। जमीन आसमान से भी ज्यादा वाला फर्क है, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आपसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू डब्ल्यूपीएल की है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की है। इंडिया को जरूरत नहीं है इतना पैसा खर्च करने की, लेकिन इंडिया जो है जस्ट पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं। बेटा ज्यादा उछलो मत, अभी भी मुझे पता है बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि बड़े उछल रहे होंगे कि भाई ये क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है, इसमें क्या है, ये वो वगैरह वगैरह। बेटा ये जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है ना, इसके अंदर पीएसएल के पूरे 2-4 सीजन आराम से हो जाए, क्योंकि इस ओपनिंग सेरेमनी में अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं क्या बोलूं, सोर्स के मुताबिक 233 करोड़ रुपए लगे हैं, 233 करोड़ रुपए इस ओपनिंग सेरेमनी में खर्च हुए हैं। इस ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान में बर्नौल की काल पड़ गया, क्योंकि भाई बर्नौल जो है वो पाकिस्तान में बहुत जरूरी है, लोगों के पिछवाड़े जलकर लाल हो चुके हैं एज अ पाकिस्तानी। मुझे इस बात की शर्मिंदगी है, मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, जो कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में कम से कम पाकिस्तान के 4-5 सीजन बड़े सुकून के साथ हो सकते हैं और बड़े चाव और धूमधाम के साथ हो सकते हैं, क्योंकि 233 करोड़ भाई आसान नहीं है, बोलना आसान है भाई, इतना करके दिखा दो। इतना पर भाई मैं हैरान हूं कि भाई ये इतना पैसा लगा कैसे, लोगों को पता था ये ओपनिंग सेरेमनी कराएंगे कोई जिगरे वाली करवाएंगे, और वाकई में जिगरे वाली क्या, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा अच्छी करवाई है। लेकिन पीएसएल में लोगों ने बोला था कि भाई चलो कोई अच्छा हमको देखने को मिलेगा, तुमने मुजरा लगा दिया पीएसएल में कि बेटा वे मखणा वे, ये कौन देखेगा, ये तुम 2024 के अंदर तुम ये बजा रहे हो, 1970 के गाने तुम 2024 में बजा रहे हो, हमें हमारी औकात दिखा दी कि बेटा ये पीएसएल जो है ना, ये यकीन करो आटे में नमक के बराबर है। अगर आईपीएल आटा है तो उसके अंदर जो नमक होता है ना वो भी नहीं है पीएसएल, ये है पीएसएल की असलियत। तुम लोग पीएसएल को इतनी बड़ी दुनिया की लीग बनाकर बैठे हो कि भाई हमारी बहुत बड़ी लीग है, ऐसा पाकिस्तानी शर्मिंदगी होती है भाई, बार बार ये होती है भाई जान। फिर ओपनिंग सेरेमनी किस तरीके से जो है, आप कह लेंगे बीसीसीआई ने आज पैसे खर्चे हुए थे, दिख रहा था भाई पैसा बोलता है, फिर कह लेंगे सब ढोलता है। पाकिस्तान मीडिया में बड़ी बातें हो रही है कि भाई पीएसएल की आपने ओपनिंग सेरेमनी कैसी की थी और यहां पर ओपनिंग सेरेमनी कैसी हो रही है। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से बेटर ओपनिंग सेरेमनी जो है बीसीसीआई ने की है। ओपनिंग सेरेमनी में भी बात ही कर रहे थे कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए का खर्चा आया है, खाली अक्षय कुमार और जो साथ उनके शरफ थे टाइगर शरफ, अक्षय कुमार कहा जा रहा है कि इंडियन रुपीस में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया चार्ज किया इस ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए, यानी कि पीकेआर में तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा ये बनता है कि सिर्फ उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में आने के लिए। क्या भाई क्या बात है भाई, जब इतना पैसा लगता है, इतनी आप कह लेंगे इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये बॉलीवुड की कोई सेरेमनी हो रही है या फिर कोई आईपीएल की हो रही है, क्योंकि ऐसे उन्होंने वो एक आईपीएल को एक पूरे फेस्टिवल की तरह कराती है और जान नहीं छुड़ाती। पहले तो आप ये मानो, आपके यहाँ इस बार जो पीएसएल का बजट था ना, वो कहा जा रहा है कि जो पिछले साल थे उससे भी बहुत कम था, इवन भी नहीं था, मतलब अपना ही बजट काट दिया। और आईपीएल का अगर आप कंपैरिजन करते हो, वो और बजट बढ़ा रहे हैं, वो और अरबों रुपया लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। अगर आज हम बात करते हैं कि प्रॉफिट उनका बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हमारे लिए पीएसएल भी बहुत बड़ा है, हमारी वही चलो दुनिया बन गई ना, लेकिन अगर आप उसके साथ इतनी ज्यादती करोगे तो दिल दुखता है। आज अगर आप आईपीएल देखो तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड की कोई ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगाया गया। ये चीज बताइए कि उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने पैसे में, उन्होंने कहा भाई हमारी ये देश की लीग है, हमारे मुल्क की लीग है, हम चिंदी चोरी नहीं करेंगे। जनाब बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 की जो ओपनिंग सेरेमनी है ना, उसमें जो है वो 100 करोड़ रुपीज लगाए भाई साहब, इंडियन 100 करोड़ रुपीज, और अगर इनको पाकिस्तानी में किया जाए ना भाई, तो तकरीबन जो है ये 300 करोड़ रुपीज जो है पाकिस्तानी ये बनते हैं, इनके 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में जो है वो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी की गई है भाई, 100 करोड़ रुपीज ओपनिंग सेरेमनी में लगा दिए, और ये तो इतने तो जो है वो लगते भी हैं भाई, जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी की गई है, क्या कमाल की जो ओपनिंग सेरेमनी की गई है, और कमाल इनके मजा आ गया आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को।